बसम्ल रहीम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस हम देख रहे हैं किस वजह से होती हैं बॉन्ड्स मार्केट अप्रोच की डिफरेंट फैक्टर्स थे और मनी मार्केट अप्रोच जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स की तरफ इशारा करती है तो हम अब मनी मार्केट जो है यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस फ्रेमवर्क उसमें देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट को चेंज करने वाले वेरिएबल्स कौन से है? क्योंकि मनी मार्केट में जब जाना है तो मनी डिमांड में चेंजेस आएंगी या मनी सप्लाई में चेंजेस आएंगी इन्हीं दो रीजंस की वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है तो पहले डायग्राम के ज़रिए हम जनरल मनी डिमांड और मनी सप्लाई की चेंजेस को देख लेते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को कैसे अफेक्ट करती हैं फिर हम स्पेसिफिक फैक्टर्स की तरफ जाएंगे जो ये हमें बताएंगे कि अगर ये फैक्टर चेंज होता है या ये वेरिएबल चेंज होता है तो कैसे डिमांड मनी की या मनी की सप्लाई चेंज होगी और अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मनी की डिमांड चेंज हो जाए चाहे वो किसी भी वेरिएबल की वजह से हो फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायग्राम ने हमने ये दिखाया है कि पहले मनी डिमांड का जो कर्व है वो एम डी वन है और मनी सप्लाई जो है वो वर्टिकल जैसे हमने मनी सप्लाई कर्व बनाया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वन पे है अब किसी भी रीज़न किसी भी वेरिएबल की वजह से जब मनी डिमांड इंक्रीज होती है तो वो एम डी टू हो जाती है और उसकी वजह से वर्टिकल मनी सप्लाई कर्व को वो इंटरसेक्ट करती है पॉइंट टू पे रिजल्टेंटली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि मनी डिमांड इंक्रीज हो जाए तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है मनी डिमांड डिक्रीज़ हो जाए तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होता है इसी तरीके से अब हम मनी सप्लाई के साथ रिलेशनशिप देखेंगे मनी सप्लाई जो कि मेनली डिटामिन करता है सेंट्रल बैंक उसके एक्शंस की वजह से इफ़ेक्ट होता है ऑल दो हमने पहले ये पढ़ा था कि मनी सप्लाई के प्रोसेस में तीन प्लेयर्स होते हैं लेकिन मेन रोल चूंकि सेंट्रल बैंक का इसीलिए हमने इधर उसको वर्टिकल लिया हुआ है मनी सप्लाई कर्व को तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए तो मनी सप्लाई का कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम जो पहले एक पॉइंट पे था अब वो चेंज होकर एक दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा और रिजल्ट ये निकल रहा है इस सारे एनालिसिस से कि जो हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है आई वन से आई टू हो जाता है इसका मतलब ये है कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो इसका मतलब है मनी सप्लाई डिक्रीज़ होने से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो ये मनी डिमांड और मनी सप्लाई के इफ़ेक्ट्स हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर अब हम स्पेसिफिक फैक्टर्स की तरफ जाते हैं वेरिएबल्स की तरफ जाते हैं जिनकी वजह से मनी डिमांड या मनी सप्लाई चेंज होती है तो इनमें सबसे पहला जो वेरिएबल हम ले रहे हैं वो इनकम है इनकम में हम जो चेंज कंसीडर कर रहे हैं वो इंक्रीज का है कि अगर इनकम इंक्रीज हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मनी डिमांड और सप्लाई पे तो मनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी यह हमने मनी डिमांड के टॉपिक में डिस्कस किया था कि चूंकि इनकम जो है उससे ट्रांजेक्शन यानी कि गुड्स एंड सर्विसज़ की डिमांड बढ़ती है और चूँकि मनी उसमें मीडियम ऑफ़ एक्सचेंज है तो मीडियम ऑफ़ एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाएगी इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि मनी की डिमांड इंक्रीज हो गई लेकिन इनकम की वजह से मनी एक और वजह से भी इंक्रीज हो सकती है मनी की डिमांड और वो इस वजह से कि इनकम ज़्यादा हो तो लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे और मनी चूँकि स्टोर ऑफ़ वैल्यू भी है तो स्टोर ऑफ़ वैल्यू की डिमांड बढ़ जाएगी इसका मतलब है मनी की डिमांड बढ़ जाएगी और मनी की डिमांड बढ़ने से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा फिर प्राइस लेवल की बात है तो जब इकॉनॉमी में जनरल प्राइस लेवल ज़्यादा हो जाए तो चूँकि जो मनी की डिमांड है वो रियल फॉर्म में होती है इसका मतलब ये है कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ेंगी नॉमिनल टर्म्स में उतनी ही मनी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी तब रियल मनी डिमांड जो है वो अपने लेवल पे कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब ये है कि जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो नॉमिनल फार्म में मनी की डिमांड बढ़ जाती है जबकि रियल फार्म में मनी की डिमांड कांस्टेंट रहती है तो चूंकि मनी की डिमांड बहरअल नॉमिनल फार्म में बढ़ती है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और फाइनली मनी सप्लाई मनी डिमांड के हमने फैक्टर्स लिखे लेकिन मनी सप्लाई जो है वो डायरेक्टली लिख दिया मनी सप्लाई इसका कोई वेरिएबल पीछे चेंज नहीं किया इसलिए कि इस मॉडल में हम अस्यूम कर रहे हैं

मनी सप्लाई इंक्रीज अगर मनी डिमांड चेंज नहीं होती तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी और जिस चीज़ की भी एक्सेस सप्लाई हो जाए उसकी प्राइस गिर जाती है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब है ये वो फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन का बायस बनते हैं अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस फ्रेमवर्क थैंक यू